हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? शायद आप लोग बढ़िया होंगे, सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग जो हैं 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और अपने इस फिजिक्स के सफर में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर क्या रहेगा आपका? जो फर्स्ट चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा यहाँ फर्स्ट यूनिट रहेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहले हम लोग क्या जानेंगे, इसके बेसिक्स क्या हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्या क्या बेसिक हैं, ठीक है, और हम कैसे चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट वी नो कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो नाम से क्लियर है, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। साथ ही साथ सबसे पहले लोग डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से बना है, किससे? पहला गया इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और यू कैन से चार्ज पार्टिकल। सेकंड क्या हो गया, स्टैटिक्स मीन्स जो रुका हुआ है, रेस्ट पोजिशन पे है, मतलब व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज गोइंग ऑन स्टैटिक पोजिशन देन इट शोज वेरियस फेनोमेना। ठीक है ना, दिस शोज वेरियस फेनोमेना, देयरफॉर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी ऑल दीज वेरियस फेनोमेना व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज गोइंग ऑन स्टैटिक पोजिशन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर हुआ? मींस जब इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल स्टेडी पोजिशन पे है तो उस कंडीशन पर वो डिफरेंट फेनोमेना शो करेगा, उन्हीं फेनोमेना को हम फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ेंगे उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देन हाउ वी डिफाइन देयरफॉर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी द वेरियस फेनोमेना वेरियस फेनोमेना सोज बाई इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यूरिंग स्टैटिक पोजीशन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ वी सी व्हाट इज द फंडामेंटल्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बहुत सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फंडामेंटल होगा वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। थोड़ा हम जानने का प्रयास करें कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है, किस टाइप का होगा, नेचर क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, तो तमाम चीज आएंगी। ठीक है, थोड़ा ही जानिए कि चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑर्डर क्लास 12th। ठीक है, 12th में जो लोग पढ़ेंगे वो पूरा कहाँ डिपेंड करेगा, ये पूरा डिपेंड करेगा चार्ज पर। मैक्सिमम पोर्शन ऑफ 12th क्लास डिपेंड्स ऑन चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे कोई पिक्चर का कोई, ठीक है, फिल्म है, कोई उसका हीरो होता है, ठीक है, ऐसे हमारे क्लास 12th का हीरो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। कभी इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक रहेगा, कभी इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा। जब इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक है तो उसके द्वारा क्या है, डिफरेंट फेनोमेना शो होंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्ट मूविंग देन दिस शोज डिफरेंट फेनोमेना। ठीक है, बिकॉज यू नो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। दैट्स व्हाई दो फ्रॉम टू हियर टू पार्ट, फर्स्ट वन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हेन इट इज गोइंग ऑन स्टैटिक पोजिशन एंड सेकेंड वन इट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स व्हेन दिस इज गोइंग ऑन मूविंग कंडीशन। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ, इसमें से पहले पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें चार्ज ही हर जगह क्या हमको मैक्सिमम रोल किसका है, मैक्सिमम रोल चार्ज का है। जैसे देखिए इनकेस ऑफ क्लास 11th हर जगह किसका मैक्सिमम रोल था, मैक्सिमम रोल था हमारा किसका, मास का। ठीक है, इसमें लोग, ठीक है, किसका था मैक्सिमम रोल, किसका था, मास का। ठीक, एफ इक्वल टू एम ए
मोशन मोशन है, ला मोशन, बाकी रोटेशनल मोशन, मैकेनिक्स, ठीक है, रोटेशनल मैकेनिक्स जितनी आपकी है फ्लूइड मैकेनिक्स, तो मैक्सिमम कंडीशन क्या हम देख रहे थे हर जगह किसका रोल था, मास का। तो हाँ, इन 11th क्लास मास इज द हीरो फॉर द 11th। इन द सेम वे यहाँ क्या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द हीरो फॉर 12th क्लास सिलेबस। ओके, क्योंकि आपकी आधी बुक जो पढ़ेंगे वहां पे घूम जा करके हमेशा किसका जिक्र आएगा, हमेशा जिक्र आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक, अब थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, क्या आपने कोई किसी ने इलेक्ट्रिक चार्ज देखा है। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, मास क्या होता है, क्या आपने मास देखा है। ठीक है, मास वी हैव नॉट सीन द मास, किसी ने मास देखा मास क्या होता है, नहीं। ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल या क्या क्या एक हाइपोथेसिस है जिसे न्यूटन ने दिया कि मास क्या है। मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। सपोज जैसे मान ली प्लास्टिक है, हमने क्या लिया, प्लास्टिक लिया, तो प्लास्टिक का अपना सम मास है। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज की है, अब उस प्लास्टिक को चाहे आप अर्थ ले जाएं, चाहे मून पे ले जाएं, चाहे किसी और ले जाए प्लेनेट पे, तो हमेशा प्लास्टिक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो उसका मास हमेशा कांस्टेंट है, वो प्रॉपर्टी हमेशा कांस्टेंट है। इसलिए मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितना उसमें क्वांटिटी है, वो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मास दिया गया। ठीक है, ऐसे यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, किसी ने चार्ज देखा है, अनुप्रम नहीं देखा है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे क्या, जिससे हमें चार्ज का एहसास हुआ। जैसे क्या, जब दो चीज़ क्या रगड़ी जाती है, तो उससे क्या है, जैसे मान ली क्या है, अगर मान ली ग्लास है, अगर ग्लास को हम क्या करते हैं, ग्लास को सिल्क क्लॉथ पर अगर क्या है रगड़ते हैं, तो उसके बाद वहाँ पर अगर छोटे छोटे क्या हैं, अगर पेपर पीस लाया जाए, तो वही आपस में क्या होते हैं, वही आपस में अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उस कंडीशन का हो जाता है वहाँ पे उसकी कुछ एक नई प्रॉपर्टी में आ गई, तो जो नई प्रॉपर्टी क्या हो गई, उसी नई प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया गया, उसी न्यू प्रॉपर्टी का नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ऐसे क्या है, जैसे फर है, अगर फर पर इग्नाइट रॉड रगड़िए, तो क्या होता है, तो इग्नाइट और फर फिर क्या रगड़ने के बाद आपस में अट्रैक्ट होते हैं, या इग्नाइट रॉड को फर पर रगड़ने के बाद, रगड़ने के पश्चात परमिन स्वाट से बिल्ली की खाल हो गई ना, अगर बिल्ली की खाल पर इग्नाइट की रॉड रगड़िए, तो उस कंडीशन पर अगर हम उसे किसी छोटे पेपर पीस पर ले जाते हैं, तो क्या पेपर, जो पीस ऑफ पेपर है, वो उसे अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या देखते हैं, तो जो हमारा ये अट्रैक्शन हो रहा है, या फिर क्या देखा गया कि अगर मान ली दो चीज़ें हैं रगड़ के बस पास लाई गई, कभी वो रिपेल करती हैं, कभी वो अट्रैक्ट करती हैं, जो ये रिपल्सन या अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्यों है, तो उसमें बताया गया, उसमें क्या है, एक नई प्रॉपर्टी उसके अंदर जनरेट होती है, जिसे क्या बोला गया, जिसे बोला गया चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज वी कैन फील, वी कांट सी, एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, और प्रॉपर्टी ऑफ क्या हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो इन दिस वे यहाँ क्या बताया गया, यहाँ दो टाइप के पार्टिकल बताए गए, एक क्या बताया गया, जिसे बताया गया इलेक्ट्रॉन, क्या बताया, ये पार्टिकल्स में क्या प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन के पास प्रॉपर्टी है कि इसके क्या माना गया, नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव, और साथ साथ क्या इसमें दूसरा क्या होता है, दिस प्रॉपर्टी क्या, मास। दूसरा क्या बताया गया, प्रोटॉन है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, प्रोटॉन में क्या होता है, मास है, साथ साथ इसका नेचर क्या है, पॉजिटिव। देखिए प्लस माइनस इस ऑल्सो कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन माने इसे माना गया है। ठीक, अब इसे कई बोले कि भाई प्रोटॉन पॉजिटिव ही क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव ही क्यों होता है, तो ये क्या है, ये कन्वेंशन के बाद जो किया, जिसको कंसिडर किया गया, जो पार्टिकल नेचर देखा गया, उस पार्टिकल नेचर में क्या माना गया, जो छोटा पार्टिकल है नेगेटिव है, जो बड़ा पार्टिकल है, मैंने कहा देखते हैं मास से एक थोड़ा एक कंसिडरेशन, जैसे आई थिंक कि जो मास देखा गया, प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। ठीक है, तो हायर मास वाला क्या है, छोटे को खींच रहा है, ये तो डी टू हो गया, दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन द मास हो गया। बट इसके अलावा अगर मास को हम न देखें, तो इसके अलावा एक नई प्रॉपर्टी देखी गई, जो मास के अलावा, जैसे मान लीजिए जो प्रोटॉन का मास है, जो इलेक्ट्रॉन के मास है, अगर उसको लगाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, तो उस कंडीशन पर जो उनके बीच अट्रैक्शन होना चाहिए ड्यू टू मास, वो अट्रैक्शन कहीं मास से बहुत ज़्यादा निकला, तब क्या बोला गया, नहीं इसमें मास के अलावा और भी प्रॉपर्टी है,
जिससे क्या आया, जिससे आया इलेक्ट्रॉन आया और क्या आया प्रोटॉन आया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोड्यूस होता है भाई, और दिस इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। दूसरी बात देखिए, इसे बोला गया नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव मतलब क्या हो गया, नेगेटिव इसका एक नेचर है, पॉजिटिव नेचर है, इट्स नॉट अलजेबरिक। इसमें से मतलब क्या, सिंपली अलजेबरा है, माइनस किया प्लस पी हो गया है, जीरो जा रहा है, माइनस पी इलेक्ट्रॉन हो गया, घट जा रहा है, तो ये नेचर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ बाय एक्सपेरिमेंट देखा गया, जो थोड़ा याद रखिए, जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ग्लास रॉड है, क्या ले लिया, अगर ले लिया ग्लास रॉड ले लिया, हो गया ग्लास रॉड हो गया, ग्लास रॉड हो गया, क्या किया गया इसे ग्लास रॉड को, अगर ग्लास रॉड को सिल्क पर, सिल्क क्या हो गया क्लॉथ हो गया, क्लॉथ पर क्या है, अगर इसको रगड़ते हैं, पेन को था रब रब डबी दी चदर, देन ग्लास रॉड गेटिंग, ग्लास रॉड गेटिंग पॉजिटिव चार्ज, क्या हो गया इसमें क्या मिला, इसे मिलता पॉजिटिव भाई, सिल्क मान लीजिए, सिल्क क्लॉथ मान लीजिए, ये मान लीजिए सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्या है क्लॉथ है, यहाँ क्या मिलता है, यहाँ मिलता है नेगेटिव। ऐसी मान लीजिए इगोनाइट रॉड है, क्या है इगोनाइट रॉड है, यहाँ क्या ले लिया फल ले लिया या बिल खाल ले लिया जो भी है, तब क्या देखा गया मान लीजिए, इसको रगड़िए इस पर, इसको रगड़िए, यही मान लीजिए क्या है, यहाँ कैसे नेचर आया, यहाँ क्या देखा गया, यहाँ क्या आता है नेगेटिव, यहाँ क्या आता है पॉजिटिव, इस पर क्या आता है पॉजिटिव, ऐसा होता क्यों देखिए। ठीक, इग्नाइट रॉड का स्क्वायर है नेगेटिव, यहाँ क्या आता है पॉजिटिव। अब इस कंडीशन में रगड़ने के बाद क्या देखा गया, अगर हम ग्लास रॉड और इसको पास लाएं फर्क हो, देयर बोथ आर रिपल्सर, इन दोनों पास लाएं सिल्क क्लॉथ को, इग्नाइट रॉड को, दोनों रिपल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या है ग्लास रॉड को इग्नाइट रॉड पास लाएं अट्रैक्ट कर रहे हैं, सिल्क क्लॉथ को फर्क के पास लाएं क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या, इससे क्या है नेचर जो आप चार्ज होता है क्या होता है वो रिपल्सन एंड क्या होता है अट्रैक्शन होता है, जो बाई एक्सपेरिमेंट ये मिला आपको। फिर देखा गया भाई चार्ज आर प्रोड्यूस कैसे हुआ, यहाँ प्लस चार्ज कैसे आया, माइनस चार्ज कैसे आया, या यहाँ माइनस कैसे आया, यहाँ प्लस कैसे आया। ठीक है, मीन्स हाउ चार्ज आर प्रोड्यूस, दिस इज मीन क्या हो गया, ये तो क्या, दिस इज द प्रैक्टिकल, ये क्या हो गया, ये हमारा इसके अलावा कई बहुत सारे प्रैक्टिकल किए गए। ठीक है, यहाँ क्या जैसे क्लास आ रहा है सिर्फ रात सिर्फ क्लास किया गया, उसको रब किया गया, रब करने के बाद पास क्या, यहाँ पेपर के छोटे छोटे पीस रख दिए गए, तो क्या होता है उससे अटैक्ट हो जाता है, यहाँ रखिए तो यहाँ भी अटैक्ट हो जा रहा है, जो पेपर न्यूट्रल है वो क्या है ग्लास रॉड से भी सिल्क से भी अलग अलग छोटे पीस कहीं रखिए कई जगह हाँ, तो क्या हो गया ग्लास सबसे अटैक्ट हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा था सब पे, जब पूरा स्टडी की गई तब उससे कुछ नियम निकाले गए। ठीक है, तब देखा गया इस की चार्ज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, मीन्स हाउ चार्ज आर प्रोड्यूस, देखिए कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो चार्ज का जो प्रोडक्शन होता है जैसे कि क्या है मेथड ऑफ नेचुरल गैस का से मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, प्रोडक्शन ऑफ क्या हो गया चार्ज, देखिए क्या होता है मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। ठीक, कौन कौन सा मेथड है, पहला मेथड फर्स्ट कहता है जिसे बोलते हैं बाई रबिंग, अगर चीजों क्या कर रहे हैं रब कर रहे हैं बाई क्या हो गया रबिंग, रबिंग ऑफ क्या हो गया मटेरियल, मटेरियल रब करते हैं। अब देखिए जब दो चीज को रब करेंगे आपस में होता है जैसे समझिए होता क्या है, तो उसमें क्या है उसमें दो पार्टी माने गए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो उसमें क्या प्रोटॉन ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ये बहुत सिंपल से कह सकते हैं चीजें कि जैसे हम जानते हैं मालिक कोई एटम है क्या है कोई एटम है, एटम के न्यूक्लियस क्या होता है प्रोटॉन होता है, इसके चारों क्या है ऑर्बिट्स वाली सारी हैं, चारों क्या है इसके चार ऑर्बिट्स हैं, और इस ऑर्बिट्स में क्या है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे यहाँ प्रोटॉन क्या जानते हैं प्रोटॉन कहाँ पे है न्यूक्लियस में है, अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस में है एज वी नो कि न्यूक्लियस न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स क्या है सब न्यूक्लियर फोर्स इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग, उसके कंपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है उसके कंपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है उसका फोर्स वीक होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है अब इसको किसको तोड़ना आसान है, तो एकदम क्लियर यहाँ पे है कि हम बाय रबिंग जब रब करते हैं तो यहाँ क्या प्रोटॉन को निकालना इम्पॉसिबल है,
यहाँ कह रहे थे यहाँ इलेक्ट्रॉन को इजिली यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उससे क्या होगा समझिए, दो चीज मान लीजिए, क्या बताया अभी जैसे भी बताया हमने कि बताया ग्लास का क्या बताया, बताया ग्लास राड हो गई, दूसरा क्या हो गया सिल्क क्लॉथ हो गया, सिल्क हो गया, रगड़ रहे हैं तो रगड़ने से बाय फ्रिक्शन से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में है ये क्या है ड्यू टू फ्रिक्शन ड्यू टू रबिंग ये यहाँ से निकलते हैं। कहाँ जाएंगे निकल करके, यहाँ निकल कहाँ जाएंगे, ये पहुंचेगी सिल्क पर, कहाँ पहुंचेगी सिल्क पर। तो उससे क्या होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मान लो ये सोडियम एटम होता है, क्या होता है सोडियम एटम होता है, सोडियम क्या होता है 11 क्या प्रोटॉन होते हैं, 11 क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ 11 प्रोटॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है, जब ए और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ए इलेक्ट्रॉन क्या हुआ ट्रांसफर हुआ रब किया गया, ठीक है, अगर ट्रांसफर हुआ तो यहाँ से क्या ट्रांसफर में क्या बचेगा, तो यहाँ आफ्टर ट्रांसफर ये हो गया, बिफोर ट्रांसफर हो गया, ये क्या हो गया आफ्टर ट्रांसफर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा 11 प्रोटॉन ही रहेगा लेकिन क्या 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अगर मान लीजिए कहाँ पहुंच रहा है क्लोरीन तक पहुंच रहा है, यहाँ कितना होता है 17 प्रोटॉन, कितना होता है 17 प्रोटॉन और क्या है 17 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया, जब पहुंचेगा जाके क्लोरीन पर तब कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो गया कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 प्रोटॉन रहेगा बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18 हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन 18 हो गए इसमें स्वाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा डिफिशियंस हो गया। इसलिए इन नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल स्टेट में जितने आपके एटम हैं जितने मॉलिक्यूल्स हैं सभी क्या होते हैं न्यूट्रल, क्यों कि एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को एक एटम से दूसरे एटम पर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर किया जाता है तो उस कंडीशन पर क्या हो गया यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ क्या हुआ इलेक्ट्रॉन की रिक्त हो गई, जिसे बोलते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जहां पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां क्या हो गया यहाँ पर एक प्लस चार्ज ज्यादा हो गया, तो यहाँ क्या हो गया प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसपे क्या आ गया इसे प्लस चार्ज आया, इसपे क्या आया माइनस चार्ज आया, एक माइनस आया। ऐसे दो इलेक्ट्रॉन गए होते हैं तो टू पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव, थ्री गए होते हैं तो यहाँ थ्री नेगेटिव थ्री पॉजिटिव। तो इस प्रकार से क्या होता है कि व्हेन बोथ आर रबिंग देन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर नॉट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर गेटिंग पॉजिटिव चार्ज एंड द ऑब्जेक्ट एट व्हिच इलेक्ट्रॉन्स रीच्ड गेटिंग नेगेटिव चार्ज आर यू कैन से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस कंसेप्ट आई होप दिस थिंग क्लियर कि व्हाई ग्लास आर गेटिंग पॉजिटिव एंड सिल्क गेटिंग नेगेटिव, दिस मीन्स व्हेन ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ बोथ आर रबिंग विद ईच अदर देन सिल्क देन ग्लास रॉड गेटिंग पॉजिटिव चार्ज, दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स दिस ग्लास रॉड लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड सिल्क क्लॉथ मान लीजिए हो गया भाई ये सिल्क क्या सिल्क क्लॉथ हो गया, ठीक है। यहां से क्या है यहां से क्या है यहां पे गेटिंग पॉजिटिव चार्ज, यहां क्या हो गया यहां गेटिंग क्या हो गया नेगेटिव चार्ज, जितने आपके प्लस हैं उतने यहां क्या हो जाएंगे माइनस हो गए, फिर दोनों क्या हो गए दोनों आपस में कुल मिला कितना हो गया सेम रहेगा, ठीक है। अगर फिर इलेक्ट्रॉन यहां एक्स न्यूट्रल हो जाएगा तो इस प्रकार क्या हो गया इसे प्लस चार्ज हो गया इसे माइनस चार्ज हो गया, तो क्या हो गया वी चार्ज आर ऑब्टेंड ड्यू टू रबिंग ऑफ मटेरियल और ड्यू टू फ्रिक्शन, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है देखिए क्या बोलते हैं फ्रिक्शनल, क्या हो गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ये क्या होता है भाई देखो क्या होती है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, एज यू नो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर दिया तो जैसे इलेक्ट्रॉन चलेगा द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट, वहां रेट निकालते हैं कि हाउ फास्ट मूविंग हाउ स्लो मूविंग, ठीक है। तो उसमें क्या निकलता है अमाउंट ऑफ करंट, मीन्स इलेक्ट्रॉन या प्लस चार्ज जो भी है इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज या चार्ज का मूवमेंट ही करंट है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ जब इलेक्ट्रॉन एंड क्या है जब क्या यार हटपन ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ बोथ आर रबिंग
जनिल ट्रांस आर ट्रांसफर अरे ट्रांस आर मूव फ्रॉम ग्लास रॉड टू स्टील रॉड ड्यू टू फ्रिक्शन। यहाँ क्यों लूज हुए? ड्यू टू फ्रिक्शन से क्या हुए? लूज हुए फिर क्या मूव किए। दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और सच टाइप ऑफ जनरेट ऑफ करंट इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ड्यू टू फ्रिक्शन और ड्यू टू रबिंग ऑफ बोथ मटेरियल मीन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर। दिस मीन्स क्या? दिस मीन्स व्हेन हाउ डिफाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर क्या हो गया व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर और क्या हो गया और हो गया मूवमेंट ना ठीक है ट्रांसफर फ्रॉम क्या हो गया फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट देन इट इज नोन एज देन इट इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज जिसे क्या बोलते हैं जिसे बोलते हैं रबिंग ऑफ मटेरियल। ओके एंड सच फेनोमेना इज नोन एज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू फ्रिक्शन और ड्यू टू रबिंग इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके क्लियर आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड क्या होता है बाई इंडक्शन। सेकंड में क्या है हाउ वी कैन प्रोड्यूस चार्ज सेकंड हो गया बाई क्या हो गया इंडक्शन। इंडक्शन का इंड्यूस कर दो भाई चार्ज को इंड्यूस कर दो। देखो इंड्यूस कैसे कर दिया देखो ध्यान समझिए हाउ वी इंड्यूस ठीक है। जैसे मान लो क्या है कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है न्यूट्रल इट हैव नो चार्ज यहाँ कोई चार्ज नहीं है हम क्या करें अगर हम इसके पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लाएं जो क्या पहले से चार्ज है यहाँ पे पहले से क्या है चार्ज है तो क्या हो गया तो इस कंडीशन पे जैसे इस पास लाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिक क्या हो गया उसमें ऑटोमेटिक ड्यू टू इंडक्शन यहाँ क्या हो गया यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा। इसको थोड़ी बात समझते मान लीजिए कि कैसे हम चार्ज प्रोड्यूस करेंगे बाई क्या हो गया बाई इंडक्शन हॉट हॉट मेथड समझिए समझेगा। जैसे मान लो इसको समझते कुछ मान लीजिए क्या है जैसे हमारे पास टू स्फीयर है समझिए ध्यान से ये बी एम टू स्फीयर ए एंड बी ठीक है। शुरू मान लीजिए इसको टच करते हैं दो स्फीयर है कैसे हमें टच करना है ये हो गया ए ये क्या हो गया बी इसको लगा दिया स्टैंड पे लगा दिया स्टैंड पे कंडीशन फर्स्ट हो गई इन कंफिगर ए फर्स्ट कंडीशन पर बोथ स्फीयर है नो चार्ज ठीक है यहाँ कोई चार्ज नहीं है। अब क्या किया गया यहाँ पे अब मान लो यहाँ क्या आ गया दोनों स्फीयर सेम है बोथ स्फीयर क्या है सेम है इसको यहाँ क्या किया लगा दिया इसे सेम इस कंडीशन है। अब क्या करें अगर इन स्फीयर के पास अगर भाई दोनों साइज सेम यहाँ पे है दोनों की साइज क्या सेम है डाउट होना चाहिए ठीक है। अब क्या किया इसके पास हम क्या ला रहे हैं इसके पास एक ला रहे हैं मान लीजिए क्या पॉजिटिव चार्ज रॉड लाई ये हम लोग क्या ला दिया एक ला दिया पॉजिटिव चार्ज की मान लीजिए कोई रॉड होगी ठीक है रॉड ला दी पॉजिटिव चार्ज की ठीक है क्या कौन चार्ज पे है प्लस चार्ज होगा रॉड ले दिया तो इससे क्या हो गया जब प्लस चार्ज रॉड लाएंगे इससे क्या हो गया उस कंडीशन पर ये क्या करेगा ये माइनस को अटैक्ट करेगा प्लस को दूर हटाएगा ना तो माइनस क्या किया इसे माइनस को अटैक कर लिया इस पास से प्लस क्या हो गया इससे दूर भागा ठीक प्लस क्या करेगा तो कंडक्टर है बोथ आर कंडक्टर अगर कंडक्टर ले तो यहाँ पे जो क्या है जो हमारे चार्ज होंगे नेगेटिव क्या हो गए इधर अटैक्ट हो जाएंगे प्लस क्या हो गया दूर हट जाएगा यदि बात समझ में आ गई क्लियर फिगर भी हो गया। थर्ड देखिए अब इसको पास रखते हुए इन दोनों स्फीयर को थोड़ा सा सेपरेट करिए हल्का सेपरेट कर रहे हैं तब क्या हो जाएगा हल्का सा सेपरेट करें देखो ध्यान से हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करें ये पहला स्फीयर हो गया दूसरा हल्का सेपरेट कर दिया ये हल्का सा सेपरेट कर दिया अभी क्या है स्फीयर क्या दिस स्फीयर ए दिस स्फीयर बी यहाँ क्या यहाँ हमारे पास रॉड है अब भी रॉड हमारे पास है ठीक है रॉड अभी है यहाँ कौन चार्ज था यहाँ पे इस रॉड पर पहले से ही प्लस चार्ज था ना तो यहाँ प्लस चार्ज है इस रॉड पे यहाँ पे प्लस चार्ज है इससे क्या हो गया इससे यहाँ अभी क्या हो गया माइनस रहेगा और यहाँ क्या रहेगा अभी क्या हो गया यहाँ पे यहाँ पर प्लस रहेगा क्यों ये प्लस को रिपल करेगा माइनस क्या माइनस को अटैक करेगा ठीक है
हमारे साथ क्या करें, उसके बाद क्या करेंगे, फिर क्या फिगर क्या बोले सी हो गया। अब क्या करें, अब इस चीज को हटा देंगे, मान लिया अगर इसको हम इसको हटा दे रहे तब क्या होगा, अगर इसको हटा देंगे तो इसे तो क्या हमारी सिचुएशन ऐसी आ जाएगी। हटा दिया, दोनों पास पास में हैं, दोनों क्या हैं अब भी क्या है तो पास पास में है, बहुत दूर नहीं है। अगर पास पास में है इस टाइप से क्या बन जाएगा, इसमें क्या होगा, दिस गेटिंग पॉजिटिव दिस गेटिंग नेगेटिव ना, यहाँ यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, दोनों ऑप्शन अट्रैक्ट होंगे, क्या हो गया यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ माइनस आ गया और यहाँ क्या प्लस आ जाएगा ना, आपस में अट्रैक्ट होगा ना, क्योंकि होता क्या पॉजिटिव नेचर ऑफ चार्ज आर अट्रैक्टेड। क्या हुआ, हमने इसको हटा दिया और चार्ज रॉड को, तो कंडीशन क्या बन गई हमारी, डी बन गई, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब क्या करिए, अब दोनों को दूर रख दीजिए, तब क्या हो गया, जिससे इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या खत्म हो जाए, दूर रख दिया खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा, तो यहाँ देखिए, अब यहाँ कोई आपस में अट्रैक्शन नहीं आपस इन दोनों का, अगर अट्रैक्शन नहीं है तो यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ देखिए चार्ज जब यहाँ था, चार्ज आपस में क्या हो गया, सेम चार्ज रिपेल करते ना, अगर रिपेल करें माने ए इक्वली पूरे उसमें क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ क्या हो गया, इसमें यहाँ क्या आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर प्लस आ गया। तो इस प्रकार से हमें क्या दिखा लिया, इस प्रकार से क्या मिल गया हमको, इस प्रकार से मिल गया यहाँ पे दोनों कंडक्टर जो इनिशियली इस पर कोई चार्ज नहीं था, हमने इस रॉड से इसको टच भी नहीं किया, विदाउट टचिंग एक पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, एक पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस प्रकार से दोनों कंडक्टर हमारे चार्ज हो गए। दिस प्रोसेस दिस फिनोमेना इज नोन एज चार्ज प्रोडक्शन, चार्ज या प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बाई क्या हो गया, बाई इंडक्शन हो गया। क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम किसी चीज को या किसी अगर पर चार्ज विदाउट उसको टच की हुई हम उस पर चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हो गया कि प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बाई हो गया इंडक्शन हो गया। आई होप इसमें क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो इस बात से देख लीजिए, दोनों अनचार्ज हैं, प्लस चार्ज यहाँ रॉड लाई गई तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, उसको प्लस दूर भागेगा, फिर क्या हल्का इसको दूर किया गया, टच हटा दिया गया, माइनस प्लस वही रहेगा, जब इसको हटा दिया प्लस को यहाँ माइनस वाला अट्रैक्ट हो जाएंगे, जब दूर कर दिया गया तो इनके बीच अट्रैक्शन खत्म हो गया, तब इस पर यूनिफॉर्मली प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यूनिफॉर्म माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर बाई इंडक्शन यहाँ चार्ज हमारा प्रोड्यूस हो गया, ठीक है ना। तो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। थर्ड मेथड क्या है, तीसरा क्या है, जो हमारा तीसरा मेथड है वो क्या है, नंबर थर्ड, तीसरा क्या है, थर्ड मेथड, थर्ड है बाई ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज प्रोड्यूस हो गया, चार्ज प्रोड्यूस प्रोड्यूस बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन क्या करें हम, देखिए हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर किया जाता है, कभी प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं किया जाता है। जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट क्या हो गई, ए क्या हो गया, ए ए क्या भी क्या हो गया, बी, तो सिंपल सा है, हम क्या करें, ये हो गया इसमें अधिक चार्ज है या कम चार्ज है या जैसा भी है, तो क्या करें हम, अगर यहाँ से ए से बी को हम चार्ज ट्रांसफर कर दें, अगर मान लीजिए क्या है, अगर ए से बी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पहुंचेगा यहाँ क्या नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया नेगेटिव चार्ज, और जहां इलेक्ट्रॉन चलेगा यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ, ये हो गया क्या, ये हो गया आपका, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। आई होप दिस थिंग क्लियर, आपको क्लियर हो गया होगा हम कैसे चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ बेसिक चीज़ें थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार मिलता रहेगा, जैसे कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं कौन से हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया, इसके अलावा न्यूट्रॉन हो गया, एक होता अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, थोड़ा जान लीजिए कि इनका कितना मास है, इनका कितना चार्ज है, ये सब जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मिलेंगे क्वेश्चन आप उसको कर सकते हैं इजिली, थोड़ा देखते हैं उसको। यहाँ पे आप देखते हैं सम फंडामेंटल और बेसिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, थोड़ा उसके बारे में जानकारी हमको चाहिए। यहाँ क्या हो गया फंडामेंटल, फंडामेंटल मेंटल और क्या हो गया, और हो गया बेसिक पार्टिकल्स, बेसिक पार्टिकल्स, ठीक है।
ये जरूरी जानना जरूरी है, नोट करिए फटाफट, नोट कर लेंगे इसको भी। पहला क्या बात है भाई, पहला हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिंबल क्या हो गया इसका, सिंबल क्या हो गया, ई लिखेंगे, सिंबल क्या हो गया इसको लिखेंगे ई, आ लिखेंगे क्यू ई सिंबल में। चार्ज कितना हो गया, ये चार्ज जो होता है क्यू ई, चार्ज 1.6 इंटू 10^-19 कूलम, ये चार्ज हो गया। मास कितना हो गया, एम ई, क्या हो गया ये, हो गया मास, कितना हो गया 9.1 × 10^-31 किलोग्राम, ये क्या हो गया, ये हो गया इसमें चार्ज, कौन चार्ज है, यहाँ हो गया निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। यहाँ अलजेब्रिक वैल्यू नहीं मास लगा हुआ, यहाँ पे नीचे क्या उसका निगेटिव है। चलिए कौन खोजा इसका, इसको डिस्कवर्ड बाई प्रोफेसर सर जे जे थॉमसन खोजे थे इसको। चलिए दूसरा क्या होगा, प्रोटॉन, ठीक है ना, इसे चार्ज क्या हो जाएगा, बात करेंगे चार्ज का, क्या इसे क्या बोलेंगे, क्यू पी बोलेंगे, आर सिंपली पी बोलेंगे, आर 1H1 इसका भी सिंबल 1H1, ठीक है ना, ठीक है। कितना होता है, कितना हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा कितना, इसे जाता है सेम 1.6 × 10^-19 कूलम, क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज होगा। एंड मास कितना हो गया, मास हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, एम बोलेंगे या सिंपल एम, ये हो गया 1.672 × 10^-27 कितना हो गया -27 किलोग्राम, ठीक है मास हो गया। कौन खोजा था इसको, डिस्कवर्ड बाई कौन थे, रदरफोर्ड हो गया, ठीक है ना। चलो तीसरा क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, तीसरा न्यूट्रॉन, तीसरा क्या हो गया न्यूट्रॉन, देखो भाई न्यूट्रॉन चार्ज क्या होगा, कोई चार्ज नहीं, क्या होता है चार्ज निल, जीरो। मास ऑफ न्यूट्रॉन Mn, ठीक है कितना होता है, ए होता है कितना, ए हो जाएगा 1.674 × 10^-27 किलोग्राम, बहुत क्लियर हो रहा है। देखो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेट इक्वल, इसलिए दोनों के मास लगभग इक्वल मान लिया जाता है, ध्यान रहे मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग लगभग इक्वल है, यहाँ 672 है यहाँ 674 है, ठीक है। कौन डिस्कवर्ड किया इसको, डिस्कवर्ड बाई चैडविक, शायद नाम क्या था, जेम्स चैडविक है ना, क्या हो गया जेम्स, क्या हो गया चैडविक, चलो भाई जेम्स चैडविक इनका क्लियर हुआ। इसके अलावा देखिए और कौन है डिस्कवर्ड में, न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसको जानना जरूरी है क्योंकि ये बार बार मिलता रहेगा। नेक्स्ट रहेगा इसको मिटा रहे हैं, नेक्स्ट रहेगा फिर अल्फा पार्टिकल, अगला क्या चौथा, अल्फा पार्टिकल सिंबल क्या हो गया इसको, चलते हैं 2HE4 सिंबल हो गया इसका, या अल्फा लिखा जाएगा, या इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, क्या बोलेंगे न्यूक्लियस ऑफ क्या होता है हीलियम, मीन्स हीलियम से प्रोटॉन निकाल, हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, क्या बचेगा न्यूक्लियस बचेगा, ठीक है। मास कितना इसका होता है, मास ऑफ अल्फा जो होता है 2 times मास ऑफ प्रोटॉन या 2m हो गया। चार्ज कितना हो गया, 2α, ये क्या होता है सॉरी मास होता 4 times सॉरी मास होता 4 times, चार्ज कितना हो गया 2 times चार्ज ऑफ प्रोटॉन, या कितना हो गया 2 क्यू चार्ज लिख लो, या 2 क्या हो गया 2p लिख दीजिए, लिखिए ठीक है मास हो गया। अगला नेक्स्ट क्या है, अल्फा हो गया, नेक्स्ट था बीटा पार्टिकल, क्या होता है बीटा पार्टिकल, ठीक है इसका सिंबल क्या होता है माइनस, देखो 1B0, ठीक है 2 type होता है, एक होता है बीटा पॉजिटिव एक होता है बीटा नेगेटिव, जेट ट्राइक क्या हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या हो गया जेट ट्राइक इलेक्ट्रॉन, इसका मास क्या होता है नेगलिजिबल, चार्ज कितना हो गया चार्ज ऑफ बीटा जो हो गया ये कितना होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, कितना होता है 1.6 ×
10 पावर माइनस 19 कूलम क्या हो गया, और इलेक्ट्रॉन क्या निगेटिव हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है ना। बीटा एक बार एक होता है, ठीक है, इसी बोलते हैं क्या है, इसी बोलते हैं बीटा माइनस भी बोलते हैं इसी को। सेकंड क्या होता है, बीटा देखो एक फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या होता है इसे बोलते हैं प्लस वन बीटा जीरो, या इसे बोलते हैं बीटा प्लस, ठीक है। एक क्या होता है चार्ज क्या हो गया क्यू बीटा, सेम क्या हो गया चार्ज या प्रोटॉन बराबर होगा कितना 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान रखिए यहाँ पे, लेकिन एक प्रोटॉन नहीं है आपका, एक प्रोटॉन नहीं है, ठीक है, तो अल्फा हो गया बीटा हो गया, ठीक। नेक्स्ट जान लीजिए क्या है, नेक्स्ट है इसे वन एच टू से बोलते हैं ड्यूटेरियम, क्या बोलेंगे ड्यूटेरियम ना, क्या हो गया इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम हो जाएगा ना, या ड्यूट्रॉन सॉरी बल्कि क्या होते हैं ड्यूट्रॉन ना ड्यूटेरियम, ड्यूट्रॉन बोलेंगे ड्यूट्रॉन। सिंगल क्या हो गया मास, देखिए यहाँ क्या हो गया चार्ज कितना हो गया क्यू डी मान लेते हैं, चार्ज कितना हो गया एक क्यू पी के बराबर होगा, अर्थात कितना 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम पॉजिटिव चार्ज, क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज। मास कितना हो गया, मास ऑफ डी कितना हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर एम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ट्राइटियम 1H3 इसे क्या बोलते हैं ट्राइटियम, ट्राइटियम हो गया ये क्या हो गया ये क्यू टी कितना हो गया भाई चार्ज बराबर प्रोटॉन में चार्ज हो गया तथा क्यू से कितना सेम हो गया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम पॉजिटिव चार्ज, मास कितना हो गया टू टाइम्स मास ऑफ ट्राइटियम कितना हो गया टू टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन या टूम, ठीक है ना। तो बेसिक हमारी चार्ज पार्टिकल्स है जिसका यूज बार बार होता रहेगा, इसको आप थोड़ा ध्यान से लिखना है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। लास्ट एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसमें, आपका आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन की वैसे ना भी होगी उसको नोट कर लीजिए, वीडियो क्या पॉज कर लीजिए, उससे आराम से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज बार बार हमको मिलता रहेगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन हो जाए, और जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे कि हाउ यू कैन प्रोड्यूस, क्वेश्चन के लिए हाउ यू कैन चार्ज अ मेटल, क्वेश्चन एक और हो गया हाउ यू कैन चार्ज, चार्ज हाउ यू कैन चार्ज अ मेटल स्फीयर, अ मेटल स्फीयर स्फीयर पॉजिटिवली, पॉजिटिवली क्या करना है पॉजिटिवली हो गया विदाउट टचिंग इट, विदाउट विदाउट टचिंग इट, टचिंग इट, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन आगे गया, सिंपल सा है, हमें इसको टच नहीं करना है, चार्ज कर देना है। कैसे करेंगे सेम अभी बताया ना कैसे, आंसर क्या हो गया भाई इंडक्शन, क्या हो गया भाई इंडक्शन बिकेन चार्ज। जल्दी कर लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा, आंसर लिखना पड़े एक लाइन में, क्या हो गया ये हो गया भाई इंडक्शन। क्वेश्चन अगर लिख दिया भाई क्वेश्चन आया दो नंबर क्या उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करो भाई, जैसे मान लो क्या हो गया एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ठीक है उसको लिख देना है जैसे, ठीक है इसमें लिख दे जो करें लिख दे। मान लो क्या है सपोज दैट यू हैव अ मेटल स्फीयर, क्या हो गया हमारे पास कोई मेटल स्फीयर हो गया, ठीक है दिस इज द मेटल स्फीयर हो गया, इसमें कोई चार्ज नहीं है। अब क्या करेंगे नंबर एक पहला फिगर, अब क्या करेंगे इस स्फीयर के पास क्या लाएंगे, इसको टच नहीं करना है, इसके पास लाएंगे एक नेगेटिव चार्ज, क्यों उसको पॉजिटिव करना ना, एक नेगेटिव चार्ज की रॉड लाएंगे। इस चार्ज कैसे हो गया ये नेगेटिव हो गया, इससे क्या हो गया जब नेगेटिव चार्ज लाएंगे यहां क्या हो जाएगा भाई इंडक्शन, क्या करेगा इसके प्लस को ये अट्रैक्ट कर लेगा ना, इसके प्लस क्या किया इसने, इसके प्लस को इसने अट्रैक्ट कर लिया, चलो भाई अच्छा किया, क्या किया इसने अट्रैक्ट कर लिया, आया समझ में ये फिगर क्या हो गया आपका, ये फिगर भी हो गया राड ला दिया नेगेटिव अट्रैक्ट कर लिया। आगे चलें, आगे चलें, चलिए तीसरा काम क्या करेंगे, थर्ड देखिए यहाँ प्लस आ गया, अब तीसरा फिर क्या करेंगे इसको ऐसे बनाए रखिए भाई, ठीक है अब क्या करेंगे इसी स्फीयर को, स्फीयर सेम है हम इसका अलग कंडीशन दिखा रहे हैं ना, यहाँ क्या हो गया कि हमारा राड यहाँ रहेगी, राड यहाँ पे रहेगी आपकी राड है, चलो राड है कोई बात नहीं राड है, ठीक राड का किसी हमारी है नेगेटिव चार्ज है,
है यहाँ पे। अब क्या करें, यहाँ कर दें अर्थिंग, क्या कर दिया यहाँ कर दिया अर्थिंग, अर्थिंग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी आपका प्लस चार्ज क्या हो रहेगा, यहाँ अभी आपका प्लस चार्ज एकोमोडेट रहेगा, क्यों, क्योंकि माइनस चार्ज क्या करेगा, माइनस चार्ज उसको अटैक किए रहेगा, ठीक है ना। माइनस चार्ज क्या करेगा, देखो चीज नहीं हो सकता है इस केस में, पर जो साइज सेकंड फिगर भी हमारा है भी क्या है, प्लस पास है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस दूर हटेगा, माइनस दूर हट जाएगा, माइनस क्या हुआ दूर हट जाएगा, और जैसे इसको करेंगे अर्थिंग, ध्यान रखिए प्लस को दूर हटा रहा है, रिपल कर रहा है, अर्थिंग होते ही सारा माइनस कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, ठीक। तो तीसरी कंडीशन में फिगर सी, थर्ड कंडीशन में माने सेम हमारा इसके सेम है भाई, ए इसके सेम चल रहा है, ठीक है, इसका क्या है सेम चल रहा है, आई होप दिस थिंग क्लियर, ना क्लियर वो होगा। अब क्या करेंगे, जब माइनस अंदर चला गया तो क्या हटा दीजिए, अब क्या करेंगे, अब अर्थिंग को हटा दे रहे हैं, अर्थिंग को हटा दिया, अगर अर्थिंग वाली हटा दिया है तो क्या बनेगा, अर्थिंग हटा दी, लेकिन राड अभी हमारे पास यहाँ पे है, राड अभी यहाँ पर है, राड अभी यहाँ पे है, अर्थिंग हटा दिया वहां से, क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया माइनस चार्ज, यहाँ गया माइनस चार्ज, यहाँ गया, यहाँ से एक प्लस चार्ज रहेगा ना, क्यों, क्योंकि इसको अटैक कर रखा है इसने, यहाँ प्लस चार्ज आपका रहेगा, ठीक। फिगर डी हो गया, अर्थिंग हट गई, अब क्या करेंगे, इस चार्ज राड को भी हटा देंगे, तब क्या हो भाई, जब ये चार्ज को राड को हटा दिया फाइनली क्या हो गया, फाइनली राड हमारा यहाँ से आके इस टाइप बन जाएगा ना, देखो यहाँ क्या हो गया, और यहाँ प्लस चार्ज क्या हो गया, इसमें जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, क्यों यूनिफॉर्मली हो गए, चार्ज आप क्या करेंगे रिपेल करेंगे, रिपेल क्या हो गए दूर भागेंगे, अभी सर स्पिरिचुअल भाग नहीं पाएंगे, क्या हो गया, अगर कंडक्टर है तो उसके सरफेस पे पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो क्या हो गया, तो इस प्रकार से क्या मिल गया हमको, इस प्रकार से हमको यहाँ मिल गया पॉजिटिव चार्ज स्फीयर मिल गया फिगर ई में, ये सारे फिगर हैं, क्या है फिगर, क्या हो गया ए, फिगर क्या हो गया बी, यहाँ फिगर क्या हो गया सी, फिगर क्या हो गया डी, और फिगर क्या हो गया ई, इसको आ गया इसी चीज को एक्सप्लेन कर देना, पहले क्या क्या, हाउ वी यू कैन एक्सप्लेन, ठीक, फर्स्ट वी प्लेस अ चार्ज कंडक्टर डॉट नियर टू स्फीयर, देन पॉजिटिव चार्ज अटैच टुवर्ड्स द रॉड, नेगेटिव चार्ज रिपेल, एंड देन आउटर पार्ट ऑफ स्फीयर इज गोइंग ऑन अर्थिंग, एंड आफ्टर अर्थिंग ऑल द नेगेटिव चार्ज गोइंग ऑन अर्थ, देन ओनली पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स एट द स्फीयर, एंड व्हेन दिस नेगेटिव चार्ज रॉड इज रिमूव्ड देन व्हाट हैपेंस, देन ऑल द पॉजिटिव चार्ज और ऑल द प्लस चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द स्फीयर, इन दिस वे विदाउट टचिंग द स्फीयर वी कैन प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेटल स्फीयर, ओके, दिस इज हाउ पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल बाई इंडक्शन। तो आज हम इसी पे इसका एंड करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो बनेगा वीडियो अगले वीडियो में, तब तक लिए आप वेट करिए, इसको बढ़िया से पढ़ डालिए एक बार, हाँ, जैसे बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, आई थैंक यू।